नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कई कॉलेजों की रैंकिंग में आया सुधार। नदियों के बढ़ते जलस्तर से कोसी सीमांचल में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। बिहार के आधारभूत संरचना के लिए बिहार सरकार 48,000 करोड़ का लेगी कर्ज। पीएमसीएच और एम्स में डॉक्टरों का हड़ताल, आज कई अस्पतालों में बाधित रही ओपीडी सेवा। लीजेंड्स खिलाड़ियों ने बीसीसीआई सचिव से लीजेंड्स लीग का आयोजन करने की अपील। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों का आईएएस में हुआ प्रमोशन। बिहार प्रशासनिक सेवा से 20 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। इनका प्रमोशन भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस ग्रेड में किया गया है। आपको बता दें कि बिहार प्रशासनिक सेवा के ये सभी अधिकारी 39वें बैच के हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक और पेंशन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिए गए हैं। प्रमोशन मिलने वाले अधिकारियों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन के आप्त सचिव डॉक्टर नंदलाल आर्य और गन्ना मंत्री कृष्ण नंदन पासवान के आप्त सचिव राजेश कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। इन सभी के अलावे कारा निदेशक रजनीश कुमार सिंह, अपर निदेशक डॉक्टर राजेश भारती, मृत्युंजय कुमार, सुजीत कुमार, राजेश कुमार सिंह, राकेश रंजन, संजय कुमार, शंभू सरन, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार, माधव कुमार सिंह, अहमद महमूद, विनायक मिश्र, सुमन कुमार, कुमार मंगलम, वारिस खान, अखिलेश कुमार सिंह एवं अतुल कुमार वर्मा का नाम शामिल है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से कोसी सीमांचल में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा कोसी सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी हैं। वीरपुर के कोसी बैराज के 56 में से 25 फाटक खोल दिए गए हैं, जिस वजह से सुपौल के आधे दर्जन से भी ज्यादा गाँवों के घरों में पानी घुस चुका है। वहीं सुजानपुर से सटे पश्चिम सुरक्षा बांध टूट गए हैं। कोसी के जलस्तर में अभी भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। बिहार के कई कॉलेजों की रैंकिंग में आया सुधार। सोमवार को शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से की गई है। जारी हुए सूची में बिहार के संस्थानों के कोटिवार स्थान में पहले से सुधार देखने को मिला है। IIT पटना इंजीनियरिंग में 34वें स्थान पर आया है। इससे पहले ये संस्थान 41वें स्थान पर था। वहीं NIT पटना इस बार 55वें स्थान पर आया है और इससे पहले 56वें स्थान पर था। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटी में IIM बोधगया को 33वां स्थान मिला है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लॉ कोटी में 31वें स्थान पर आया है। वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर काफी बहस देखने को मिल रही है। अब इसी वाद विवाद के बीच वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा है कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री की जाँच होगी। विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने और वहां गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई होगी। साथ ही वक्फ की जमीन पर कब्जा करने और वहां गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बिहार के आधारभूत संरचना के लिए बिहार सरकार 48,000 करोड़ का लेगी कर्ज। बिहार की आधारभूत संरचना के लिए बिहार सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला लिया है। वित्त विभाग बिहार सरकार के इस फैसले के तहत होने वाली कार्य योजना को अंतिम रूप से कार्रवाई कर रही है। कर्ज के माध्यम से इकट्ठा की जाने वाली ये राशि अलग अलग वित्तीय संस्थानों से जुटाई जाएंगी। इन पैसों का इस्तेमाल कर आर्थिक विकास में तेजी करने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि बिहार सरकार ये कर्ज नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, SIDBI और ओपन मार्केट से जुटा रही है।
15 अगस्त को लेकर आज गांधी मैदान में हुआ फाइनल रिहर्सल। 15 अगस्त को इस बार हम सभी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर की पूरी तैयारी देश में की जा रही है। ऐसे में बिहार भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन धूमधाम से करने जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले फाइनल परेड का रिहर्सल देखने को मिला। इस दौरान डीएम चंद्रशेखर सिंह और आईजी गरिमा मलिक भी मौजूद रहे। पटना कमिश्नर ने इस आयोजन को लेकर जानकारी दी कि इस बार 12 विभाग की झांकी और 19 टुकड़ी परेड में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित बिहार के हर जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। आपको बता दें कि 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करने वाले हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 770 डेंटिस्ट और 222 ड्रग इंस्पेक्टर की होगी नियुक्ति। सोमवार को आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 52 ड्रग इंस्पेक्टर और 10 डेंटिस्ट को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नए ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति के बाद देश भर में सर्वाधिक ड्रग इंस्पेक्टर बिहार में हो गए हैं। इनकी नियुक्ति के बाद राज्य में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि ड्रग इंस्पेक्टर की नई संवर्ग नियमावली 2014 का गठन किया गया है। इसमें कुछ 4 सोपान हैं, जिसमें 222 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 770 नए डेंटिस्टों के पदों का सृजन किया जा रहा है। एससी वर्ग से बाहर हुआ तांती समाज, बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में तांती समाज को एक बार फिर से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है। दरअसल अदालत ने तांती समाज को एससी वर्ग से बाहर करने की बात कही थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर तांती समाज को ईबीसी में शामिल कर दिया है। मालूम हो कि तांती ततवा जाति को ईबीसी से बाहर कर वर्ष 2015 में ही एससी कैटेगरी में शामिल किया गया था। हालांकि बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत में याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अंतिम फैसला सुनाते हुए इस समाज को एससी वर्ग से हटाकर ईबीसी वर्ग में शामिल करने की बात कही है। पीएमसीएच और एम्स में डॉक्टरों का हड़ताल, आज कई अस्पतालों में बाधित रही ओपीडी सेवा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक सेकेंड ईयर की पीजी छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर उसके मर्डर का मामला सामने आया था। अब इसके विरोध में और छात्रा को न्याय दिलाने के लिए देशव्यापी हड़ताल देखने को मिल रहा है। इसका असर बिहार के मेडिकल कॉलेजों में भी दिखा। दरअसल बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में पंजीयन काउंटर पर ताला जड़ दिया गया। वहीं पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में भी कैंडल मार्च और प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ था। इसमें सभी अस्पतालों के जूनियर रेजिडेंट के साथ वरिष्ठ चिकित्सक भी शामिल हुए थे। साथ ही पीएमसीएच, एम्स समेत कई मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवा मंगलवार को बाधित रहने की खबर सामने आई है। जल्द बिहार में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, तैयार हो रहा कॉरिडोर। जल्द ही बिहार में भी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। दरअसल वाराणसी से हावड़ा के बीच बिहार होते हुए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इस कॉरिडोर पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ेंगी। इसके लिए एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण होगा। ये एलिवेटेड रेलवे लाइन पटना शहर से होकर गुजरेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कॉरिडोर का निर्माण करने वाला है। इस कॉरिडोर रेल कॉरिडोर के लिए जमीन के सर्वे का काम पटना के साथ ही जहानाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर में पूरा किया जा चुका है। दरभंगा एम्स का रास्ता हुआ साफ, पीएम मोदी के बयान पर रोहिणी का तंज। दरभंगा जिले में एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को 150.13 एकड़ जमीन सौंप दिए हैं, जिससे एम्स बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें कि जमीन को लेकर ही एम्स निर्माण का कार्य बाधित था। हालांकि अब जमीन आवंटन से दरभंगा में जल्द ही एम्स का सपना भी साकार हो जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने बताया है कि दरभंगा एम्स के प्रबंधन को इससे संबंधित कागजात सौंपे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर राजद की तरफ से प्रधानमंत्री पर तंज कसा जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जब साल 2023 में पीएम मोदी ने ये कहा था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है, तो वहां दूसरे एम्स की जरूरत क्यों पड़ी।
वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पारा बदलने की चर्चा हुई तेज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पारा बदलने की चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल बदलकर तिरंगा की तस्वीर लगा दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी के प्रोफाइल फोटो को पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी लोगों से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर पर तिरंगा लगाकर इस अभियान का हिस्सा बने। ऐसे में मुकेश सहनी के प्रोफाइल फोटो बदलने पर उनके पाला बदलने की चर्चा तेज हो गई है। जन सुराज अभियान में होने वाले खर्चे का प्रशांत किशोर देंगे हिसाब। जन सुराज अभियान के दौरान होने वाले खर्चे का प्रशांत किशोर ने हिसाब दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि जन सुराज के 2 साल से चल रहे अभियान पर खर्च हुआ सारा पैसा सफेद धन है, क्योंकि वो सिर्फ चेक से चंदा लेते हैं और चेक से ही और सैलरी का भुगतान करते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी घोषणा की कि पदयात्रा के बाद वो सारे चंदे का हिसाब जारी करेंगे, ताकि पता चल सके कि किसने कितना दिया है और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, देश भर में फैले उन सारे लोगों से वो चंदा मांग रहे हैं। जन सुराज के उम्मीदवारों को वो दूसरे दलों से प्रचार, संगठन और पैसा में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए जारी किया क्राइम बुलेटिन। बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रही घटनाओं को लेकर अपने ट्वीट के जरिए क्राइम बुलेटिन जारी किया है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने 42 घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। शासन प्रशासन, रिश्वतखोरी, लूट और भ्रष्टाचार में मस्त और व्यस्त तथा सत्ता संरक्षित अपराधी लूट, दुष्कर्म और निर्दोष लोगों की जान लेने में मदमस्त है। लीजेंस खिलाड़ियों ने बीसीसीआई सचिव से लीजेंस लीग का आयोजन करने की अपील। आईपीएल की तर्ज पर बीसीसीआई भी लीजेंस खिलाड़ियों की अपनी लीग शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि कई लीजेंस खिलाड़ियों की लीग इस समय दुनिया भर में देखने को मिल रही है। इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंस, ग्लोबल लीजेंस लीग क्रिकेट आदि शामिल है। इस लीग में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, अंबाती रायडू समेत कई खिलाड़ी खेलते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि हाल में ही भारत के कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने बीसीसीआई सचिव जय शाह से मुलाकात की और उनके लीजेंड्स लीग करवाने का आग्रह किया है। पूर्व क्रिकेटर चाहते हैं कि लीजेंड्स लीग का आयोजन आईपीएल की तरह किया जाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, राजीव नयन, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, वेद प्रकाश सिंह, अजीत कुमार, नौसाद रजा, ओमकार सिंह, दानिश रजा, संजीव कुमार, अनिल राय, उत्तम कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई बड़े खिलाड़ियों द्वारा आईपीएल की तर्ज पर लीजेंड्स लीग करवाने की अपील की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।